तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, इस बेस ट्यूब को कैसे चलाना है मैं आज इसकी पूरी वायरिंग करके आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जो बेस ट्यूब है अपना, ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे आपका एम्पलीफायर हम दे रहे हैं आपको, ठीक है। जो बेस ट्यूब एम्पलीफायर होता है 2023 मॉडल का, वो एम्पलीफायर है। ये अपना 8 इंच का बेस ट्यूब है, यहाँ से आप देख सकते हो। और यहाँ पे होल पास, एयर पास मिल जाता है आप लोगों को। और ये जो है अपना सबवूफर है अपना 8 इंच का, ये भी देख लो आप, इसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। ये अपना 8 इंच का सबवूफर है, ये देख रहे हो कैसी आवाज़ निकल रही है इसमें से। और ये जो सेलकोन का ओरिजिनल सबवूफर है, इसका बॉक्स, ये सारा सामान इसमें लगेगा दोस्तों, ठीक है। ये 3110 एम्पलीफायर और ये ऑडियो आउटपुट जैक, ये लगेंगे दो। और ये नॉर्मल वाला ब्लूटूथ कार्ड, जिसमें आपका लेफ्ट राइट ग्राउंड वाला आउटपुट होना चाहिए, बस 5 वोल्ट से ही चलेगा अपना जो है, ये चाहिए। और जो अपना सबवूफर का ये बॉक्स है ओरिजिनल, वो बॉक्स भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सेलकोन का अपना ओरिजिनल बॉक्स है, ये देखिए 200 mm मैग्नेट में एक्टिव बेस ट्यूब, ठीक है मेरे भाइयों, सेलकोन का अपना ब्रांड है ये। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सारी इम्पिटेंस जो है SL1518 मॉडल नंबर, और 8 इंच 200 mm मैग्नेट में नॉर्मल इम्पिटेंस, 4 ohms पावर हैंडलिंग, 300 वाट RMS का है, पीक पावर जो है 4800 वाट का है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 45 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज तक जाएगी, और सेंसिटिविटी जो है 90 dB तक जाएगी। और बेस ट्यूब जो बना है हमारा, मटेरियल प्योर MDF से बना हुआ है, MDF वुडन से, ठीक है मेरे भाइयों। और 6 महीने की आपको इसके साथ वारंटी भी दी जाती है। तो चलिए हम वायरिंग पे शुरुआत करते हैं इसकी, ठीक है, हमको कैसे कैसे इसे चलाना है। तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। पहले तो दोस्तों, हमें ये 100K का पोटेंशियोमीटर चाहिए, ठीक है। इसको आप सीधा पकड़ेंगे यहाँ पर, तो सीधा पकड़ने के बाद आपने जो है, आपका ये लास्ट वाला लेग जो है, इसको आपस में ऐसे शॉर्ट कर देना है, ठीक है। इसे जब आपस में ऐसे शॉर्ट कर देंगे आप, तो ये अपना ग्राउंड बन के निकलेगा, ठीक है। और अपने को ग्राउंड ही चाहिए, नहीं तो इसे हम शॉर्ट कर देते हैं। तो देखिए, आपस में शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारे ब्लूटूथ का लेफ्ट राइट ग्राउंड है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, लिखा हुआ है यहाँ पे, आसानी से आप लोगों को दिख जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट सबसे कोने में बीच में ग्राउंड है, और ये राइट है, ये 5 वोल्ट का है, ठीक है, कनेक्टर। यहाँ पे आपको माइक वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। और आपने पहले जो ग्राउंड है, ग्राउंड आपने जो हमने शॉर्ट किया था ना, यहाँ पर जहाँ पे हमने ये शॉर्ट किया था, ग्राउंड आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। ग्राउंड लग गया दोस्तों। तो दोस्तों, अब जो सबसे पहली वाली लेग है, यहाँ पे आपका जो है, यहाँ पे देखिए, ये पहली वाली लेग पे हम लेफ्ट राइट लगा देंगे, ठीक है। लेफ्ट राइट हम आगे वाले पिन पे शॉर्ट करेंगे सबसे। दोस्तों ये देखिए, हमने आगे वाले टोन पे जो है इसको लगा दिया है। हम बीच में जो हमारा बचा, ये मिडिल वाला लेग, यहाँ पे हम जो है 2 वायर शॉर्ट करेंगे, जो सीधा लेफ्ट राइट अपना स्पीकर में जाएगा, और ग्राउंड हम यहाँ पे लगा देंगे इसके ग्राउंड वाले इस जगह पे, ठीक है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे 2 वायर्स ले लेंगे। 2 वायर्स लेने के बाद जो है, इसे आपस में पहले ब्लैक वाला वायर जो है शॉर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद ये अपना जो है लेफ्ट राइट निकल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं जिस प्रकार से शॉर्ट कर रहा हूँ, आपने भी कर लेना है इसी तरीके से, ब्लैक वाली वायर को शॉर्ट कर लेना है, ठीक है। ये हमने शॉर्टिंग कर दिया, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने ये जो वायर्स लिया है, ये तो इसके आउटपुट में जाएगा यहाँ पे बेस ट्यूब के। और ये जो ये वाला छोटा वाला वायर लिया है, ये हमने इस एम्पलीफायर के इनपुट में देंगे, ठीक है। ये बीच वाला जो ग्राउंड है, हम इन दोनों का आपस में अटैच कर लेंगे पहले, यहाँ पर ग्राउंड दोनों का आपस में लगा देंगे हम, ठीक है। ग्राउंड लगा लेना है पहले आपस में,
ग्राउंड लगाने के बाद जो है यहाँ पे शोल्डरिंग कर देनी है अपने ग्राउंड की 100 K के टोन पे। तो हमने ये देखिए दोस्तों ये कर दिया है। अब जो ये दो वायर्स बची है ना, ये और ये, इन दोनों को भी हम आपस में शॉर्ट कर देंगे लेफ्ट राइट के लिए। ठीक है भाइयों, इस प्रकार से आपने शॉर्ट कर देना है इसको। और शॉर्ट करने के बाद जो है हम इसको राइट वाले चैनल पे लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ, आप कुछ इसी प्रकार से आपने लगाना है। ठीक है, बीच में जो एम्पलीफायर के आउटपुट निकलेगा अपना 100 K के टोन से, यहाँ पर लगा लिया हमने। अब जो है बचा हमारा लेफ्ट चैनल, तो लेफ्ट चैनल भी लगा लेंगे हम। देखिए हमने इसको भी शॉर्ट कर दिया है आपस में। अभी आपस में शॉर्ट करने के बाद जो है हम इसके आगे वाले टर्मिनल पे यहाँ पे लगा देंगे, बीच वाले टर्मिनल पे। तो दोस्तों देखिए ये कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब जो बची इसकी वायर्स, जो दो वायर्स है, ये जो हमने कनेक्टर्स है, इस कनेक्टर्स में लगाना है। ये देखिए अपना जो प्लस होता है, ये जो नट लगा हुआ है ना छोटा सा, ये छोटा सा नट लगा हुआ है, ये प्लस का होता है नीचे वाला। और ये जो पूरा हिस्सा है ये बड़ा सा, ये पत्ती, ये ग्राउंड है और ये प्लस का है। ठीक है, हमने इसी प्रकार से इसके कनेक्शन करना है। तो दोस्तों सिंपली हम इस नट को जो है खोल के निकाल लेंगे, यहाँ पर खोल लेंगे थोड़ा सा, फिर ये वायर को थोड़ा मोड़ेंगे, अंदर डाल देंगे इसके। ठीक है, अंदर जाता है तो ठीक है, वरना इसको जो है शोल्डरिंग कर देना है अपने। इसके अंदर लगा के सीधा इस प्रकार से घुसाना है अंदर और टाइट कर देना है बस। दोस्तों अच्छे तरीके से आपने टाइट कर देना है इसको। ठीक है, ये देखो कुछ इस प्रकार से ये टाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है इसका ग्राउंड लग जाएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है इसके भी कनेक्शन हम कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे ये कनेक्टर यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है। ये देखिए अब ये कनेक्शन जो है अपना कंप्लीट हो चुका है, ये बन के रेडी हो चुका है ये एक पिन अपना। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको दोनों पिन लगानी है, दोनों पिन के कनेक्शन जो है इसी प्रकार से करना है। इसको अंदर डाल के जो है टाइट कर देना है कुछ इस प्रकार से, बस ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बचे 7805 के कनेक्शन, तो 7805 के कनेक्शन भी हम कर लेते हैं अभी। ठीक है मेरे भाइयों, तो दोस्तों ये वाला कनेक्टर भी, जैसे हमने ये रेड वाला वायर जो है ये नट में लगा रखा है, देख पा रहे होंगे आप, ये नट में जो हमने कस रखा है यहाँ पे, ये प्लस वाला लगेगा और ग्राउंड जो है ग्राउंड यहाँ पे लगेगा। काफ़ी भाइयों को दिक्कत होती है, मैं इसीलिए नॉर्मल नॉर्मल तरीके से, ना कोई एडिटिंग ना कोई कुछ, नॉर्मल तरीके से आप लोगों को सिखाता हूँ। सिखाने के लिए जो है एडिटिंग वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसे इंसान सीखता है। ये देखिए ग्राउंड जो है यहाँ पे लग जाएगा, नॉर्मली जो है अपना कनेक्टर और प्लस वाला यहाँ लग जाएगा। इसको जो है हम बंद करते हैं, धीरे धीरे वीडियो बड़ी हो रही है। अब हम इसके 5 वोल्ट के कनेक्शन करेंगे, ताकि जो हमारा 12 वोल्ट रहेगा, तो 12 वोल्ट से अपना ये ब्लूटूथ कार्ड तो 5 वोल्ट का है ना, तो ये कनेक्टर्स कुछ इस तरीके से इसमें लग जाएंगे इनपुट में। ये इस तरीके से दोस्तों ये इनपुट में लग जाएंगे। वायर आप कितना भी बड़ा कर सकते हो, इसीलिए मैंने ये जो है कनेक्टर्स खरीद के लाया हूँ। ये 10 रुपये के कनेक्टर्स आपको मिल जाएंगे कहीं से भी, ठीक है, लोकल मार्केट से। और ये जो है अपना 7805 के कनेक्शन हम कर लेते हैं। ये देखिए ये अपना 7805 है, यहाँ पे आप लोगों को इसका मॉडल नंबर शो हो रहा होगा। ये देखिए 7805 है, इसकी फर्स्ट वाली लेग पे 12 वोल्ट लगेगी और ये लास्ट वाली जो लेग है, ये देखिए इसके फर्स्ट पिन पे अपना 12 वोल्ट इनपुट होगा, बीच में ग्राउंड लगेगा और यहाँ से आपको 5 वोल्ट की आउटपुट मिलेगी। ठीक है मेरे भाइयों, तो दोस्तों ये अपना कनेक्टर है 5 वोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ये 5 वोल्ट लिखा हुआ है, 5 वोल्ट और ग्राउंड। यहाँ से हम ये जो वायर है इसमें देखना है अपने कौन सी है 5 वोल्ट वाली। 5 वोल्ट वाला वायर जो है ये ट्रांजिस्टर के इस वाले लेग पे लगेगा। ठीक है, यहाँ पर तो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ सीधा।
ठीक है भाइयों, ये देखिए मैंने कहाँ पे कनेक्ट किया है इसको। इस वाले कनेक्टर पे आपका 5 वोल्ट इनपुट होगा ब्लूटूथ कार्ड में जो जा रहा है। अब बीच में जो है ये ग्राउंड लगेगा, बीच में ग्राउंड लग जाएगा ऐसे, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए, ये बीच में हमने दोनों के लगा दिया ये, ठीक है, ग्राउंड लगा दिया बीच में, इधर 5 वोल्ट आउटपुट मिल गया आपका। अब दो वायर हम इसमें अटैच करेंगे ताकि 12 वोल्ट से इनपुट दे सके, ठीक है। तो दोस्तों ये दो वायर हमने ले लिया है, अब इसके फर्स्ट वाले लेग पे हम 12 वोल्ट का इसका कनेक्शन करेंगे। और ये जो मिडल वाली लेग है इसमें हम सिंपली इसका ग्राउंड लगा देंगे। तो दोस्तों देखिए ये हमने ग्राउंड भी लगा दिया, ठीक है। अब इसके भी कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। अब जो बचा हमारा सीधा एम्पलीफायर का कनेक्शन, इस वाले एम्पलीफायर का 3110, ठीक है भाइयों। अब इसमें जो है हम यहाँ पे देखिए RGL लिखा हुआ है, लेफ्ट राइट और ग्राउंड। तो इसमें हम ये तीन वायर जो हमने टोन में कनेक्ट किया था, जो आउटपुट में जा रहा है हमारे बेस ट्यूब के, जो बेस ट्यूब में जा रहा है, जो टोन से निकल के हमारा ये देखिए मिडल वाली लेग से आ रहा है, हमने मिडल वाली लेग पे इसको कनेक्ट किया था ये वाला वायर, ये देखिए, ठीक है। तो ये सिंपली तीन वायर्स जो हम यहाँ पे लगा देंगे इसको। तो भाइयों देरी ना करते हुए इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको इसके कनेक्शन कर लेने, लेफ्ट हमने लेफ्ट में लगा दिया, ग्राउंड ग्राउंड में लगा दिया, राइट राइट में लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्लस माइनस आपको स्पीकर की आउटपुट मिल जाती है, ठीक है। दो वायर्स यहाँ पे हम जोड़ेंगे स्पीकर्स के लिए, ठीक है मेरे भाइयों। तो दोस्तों अब इसके स्पीकर्स की वायरिंग कर लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पे जो प्लस वाला वायर है हम प्लस में लगा लेंगे, माइनस वाला वायर जो है माइनस में लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे भी प्लस वाला वायर पहले लगाएंगे, फिर माइनस वाला वायर लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो है देखिए इस फिगर के भी कनेक्शन कर लिए हैं। और ये जो है अब बचा अपना 12 वोल्ट का कनेक्शन, ठीक है। तो अब ये 12 वोल्ट वाला कनेक्शन भी हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक आप दे सकते हो आराम से, ये चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम ग्राउंड वाला वायर, यहाँ पे दो वायर शॉर्ट करेंगे ताकि हम यहाँ पे स्विच के भी कनेक्शन कर सकें। ये वायर जो है सीधा 7805 में भी गया हुआ है, ठीक है भाइयों। ये देखिए ये वायर सीधा 7805 में जा रहा है। और ये देखिए ग्राउंड के कनेक्शन हमने कर दिए हैं। अब जो है मैं 12 वोल्ट के कनेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए कुछ इस प्रकार से जो है अपने 24 वोल्ट के कनेक्शन भी हो गए। यहाँ से पीछे से हमने वायरिंग कर दी इसकी, ठीक है भाइयों। इस प्रकार से इसके कनेक्शन होंगे भाइयों। तो अब इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ी सी छोटी सी। तो दोस्तों अब ये जो है हम दो वायर्स को यहाँ पे आपस में अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद जो है इसका बेस ट्यूब में कनेक्शन करेंगे।
तो ये जो दो वायर्स है इसमें थोड़ा सा हम एक लूप बना लेंगे, ताकि ये जो है एक वायर और जोड़ेंगे। तो दोस्तों बेस ट्यूब का पहले हम ये रिमोट वाला वायर, 12 वोल्ट वाला वायर और रिमोट वाला वायर, ये दोनों खोलेंगे हम। ये देखिए REM और 12 वोल्ट, ये दोनों का जो है हमने यहाँ पे एक वायर हमने और जोड़ लिया वायर में, ठीक है। और ये देखिए हम 12 वोल्ट यहाँ, 12 वोल्ट जो है हम यहाँ बीच में लगा रहे हैं, 12 वोल्ट जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ इसी प्रकार से आपने कनेक्शन करने, ठीक है। और ये जो है आपका ये जो रिमोट वाला वायर हमने इसी में जोड़ रखा है, ये देखिए एक वायर, तो ये वाला वायर जो है हम इसमें लगा देंगे रिमोट में, तभी आपका एम्पलीफायर ऑन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। इसको लगाने के बाद जो है आपने बढ़िया से कस देना है। अब जो है बचा ग्राउंड वाला वायर, जो एम्पलीफायर, एम्पलीफायर में से वो बैटरी में से जाएगा डायरेक्ट इसमें अपना, ये ग्राउंड वाला वायर हम लगा लेते हैं इसमें। ये ग्राउंड वाला वायर भी हमने यहाँ पर जो है लगा दिया है। तो दोस्तों अब बची इसकी पावर सप्लाई कनेक्ट करने की, मैं पावर सप्लाई इसमें कनेक्ट करके जो है अब इसको आप लोगों को ऑन करके दिखाता हूँ। मैंने ये सबवूफर के साथ जो है अपना वो भी 10 इंच के वूफर पे अटैच किए हैं इस छोटे से एम्पलीफायर बोर्ड पे, वो भी चला के दिखाऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। साथ ही साथ तो दोस्तों यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 12 वोल्ट, यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट 3 एम्पियर की पावर सप्लाई है अपनी, इसे हम चलाएंगे इसको अपनी बेस ट्यूब को, ठीक है। तो दोस्तों अब जो है मैं इसमें पावर सप्लाई लगाने जा रहा हूँ, देखते हैं इसमें ये ऑन होता है नहीं होता। ये देखिए ये ऑन हो चुका है अपना सबवूफर जो है, अभी सबवूफर भी ऑन हो गया है। ये तो दोस्तों ये देखिए ब्लूटूथ मोड ये बोल रहा है, अभी इसमें जो सबवूफर है मैं अब आप लोगों को इसकी साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये रहा अपना छोटा सर्किट, ये देखिए अब हमने जो वॉल्यूम कम करा तो बेस का वो जो है वो भी बंद हो गया है, जो नॉइज़ वगैरह आ रही थी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने ऐसे ये सॉन्ग प्ले कर लिया है, देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस।
जिस किसी भाई को ये सबवूफर बेस ट्यूब चाहिए हो वो हमसे संपर्क कर सकता है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट एंड व्हाट्सअप पे मैं व्हाट्सअप नंबर छोड़ दूंगा, आप लोग उस पर ऑर्डर देके आप लोग ये बेस ट्यूब वगैरह मंगवा सकते हो। 8 इंची 12 इंची भी हमारे पास सब मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल लाइक